हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद कुक अस्टनर। आज मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर के लिए होम रेमेडी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्लीज इसे ट्राई करें। इससे आपके स्किन की डलनेस, रिंकल्स, पिंपल्स सब कुछ गायब हो जाएंगे। और आपको अगर डार्क सर्कल या डार्क स्पॉट्स की शिकायत है तो वो भी दूर होंगे। ये बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट बोला जा सकता है, सस्ती भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होम रेमेडी है। आप प्लीज इसे ट्राई करें। इससे आपके स्किन के 90% प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगे। आइए मैं बताती हूँ इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें कुछ आइस क्यूब्स चाहिए जो सबके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। आइस क्यूब्स को हमें कॉटन की हैंकी में लेनी है। कुछ आइस क्यूब्स हम कॉटन की हैंकी पे लेंगे और उसे इस तरह से कॉटन की हैंकी पे हम आइस क्यूब्स लेंगे और उसे टैपिंग करते हुए अपने फेस की मसाज करेंगे इस तरह से। ये हमें 10 टू 15 मिनट के लिए करनी है। आप इसे एक दिन में 4 टू 5 टाइम्स कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपकी स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, अगर पिंपल्स रिंकल्स हैं, तो आप प्लीज इसे 4 टू 5 टाइम्स जरूर करें। पिंपल्स 2 डेज में आप रिजल्ट देखेंगे कि पिंपल्स कैसे गायब हो जाएंगे। इस तरह से टैपिंग करते हुए हमें मसाज करनी है पूरे फेस की। ये आप रेगुलर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है स्किन के लिए। आप ये जरूर करें। अगर आपके फेस में डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल हैं, तो उसके लिए हमें आलू के रस से बनी आइस क्यूब्स यूज करनी है। इसके लिए हम एक आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे और उसके रस को छान कर निकाल लेंगे। उसके बाद उसे आइस क्यूब्स बनने के लिए रख देंगे और जब आइस क्यूब्स बन जाए तो उस आइस क्यूब्स को हम कॉटन की हैंकी में लेकर अच्छे से अपने फेस की डैपिंग करते हुए अच्छे से मसाज करेंगे। ये हमें 10 टू 15-20 मिनट तक आप कर सकते हैं इस तरह से। तो उससे हमारे फेस के डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और अगर आपको आईज में कुछ प्रॉब्लम होती है, आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर्स, मोबाइल स्क्रीन वगैरह को हमेशा फेस करते हैं, तो इससे हमारे आईज में भी कभी कभी दर्द होती है या थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी आप नॉर्मल आइस क्यूब्स यूज कर सकते हैं इस तरह से। ये हम कुछ देर के लिए बारी बारी से दोनों आईज में रखते हैं। इससे हमारे आंखों को भी बहुत रिलैक्स फील होता है। ये आंखों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और गर्मियों के दिन में आप इसे 4 टू 5 टाइम्स जरूर यूज करें। और अगर आप चाहे तो खीरे के रस से बनी आइस क्यूब्स भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें खीरे को कद्दूकस कर लेनी है और उसका 2 टेबलस्पून जूस निकाल लें और उसे हाफ ग्लास वाटर में ऐड करके आइस क्यूब्स बनने के लिए रख दें। और जब आइस क्यूब्स बन जाए तो फिर उसे कॉटन की हैंकी में लेकर यूज करें। गाइस याद रहे, कॉटन की हैंकी जरूर यूज करें, डायरेक्ट आइस क्यूब्स फेस पे ना अप्लाई करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस काफी सेंसिटिव होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप लोगों को रेडनेस या फिर ऐसा लगे कि स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसे करें। इससे 10 टू 15 मिनट के लिए आपके फेस को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, 2-3 घंटे के लिए, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी फेस सेंसिटिव होगी तो उन्हें थोड़ा स्किन रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही फायदेमंद है, वो भी यूज कर सकते हैं। 2-3 घंटे में फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। और आप ये करके जरूर देखें, इससे आप बहुत ही कूल एंड रिफ्रेश फील करेंगे इस समर के सीजन में।
और ये बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस। इससे पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स गायब होंगे ही और साथ में आपकी स्किन काफी ग्लो करेगी। आप इस बात का विश्वास करें, ये मैंने यूज की है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। तो प्लीज गाइस आप इसे ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।